हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ कंचन जी हैं और भूपेंद्र जी हैं। मैम का रिसेंटली फिनलैंड का स्टडी वीजा आया, परमिट कार्ड आया और सर साथ में स्पाउस कंपनी कर रहे हैं, सर का भी वीजा और कार्ड साथ में आया है। तो हमें छोटी सी कॉन्वर्सेशन में मैम और सर से समझेंगे कि इन्होंने फिनलैंड क्यों चुना, फिनलैंड में सर को क्या अच्छा लगा और इनका एडोफिन के साथ कैसी जर्नी रही। तो सबसे पहले कंचन जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और भूपेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आप मैम इसमें देखिए आपका परमिट कार्ड होगा, आप भी देखिए सर और हमारे ऑडियंस को दिखाइए, एक क्रेडिट कार्ड साइज का परमिट कार्ड आया होगा। यस, सो ऑडियंस जैसे आप देख सकते हैं कि सर के पास, मैम के पास, दोनों के पास रेजिडेंट परमिट कार्ड है टाइप बी फिनलैंड का। तो फिनलैंड ऐसी कुछ कंट्रियों में से है जो कार्ड ही इंडिया में कोरियर करती है वहां से प्रिंट करके, तो स्टूडेंट को वहां जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कार्ड बनवाने के लिए। वीजा तो पहले आ ही जाता है, फिर कार्ड भी उसके बाद एम्बेसी की तरफ से कोरियर होकर आता है। चलिए जी, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू सर एंड मैम। तो मैम आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा आप बताइए कि आपने फिनलैंड में स्टडी करने का क्यों मन बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगा कि फिनलैंड कंट्री जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ट है इन द होल वर्ल्ड, एंड ओवरऑल वहाँ पे जो क्राइम भी नहीं है, वुमेन के लिए भी बहुत सेफ्टी है, तो दैट्स व्हाई आई चूज फॉर फर्दर एजुकेशन इन फिनलैंड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो जैसे मैं बता रहे हैं बहुत ही सेफ कंट्री है, आप खुद गूगल पे चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा मोस्ट सेफ कंट्री है वुमेन के लिए और एजुकेशन में तो नंबर वन है ही है। कुछ और सर आप कहना चाहें फिनलैंड के बारे में, आपने सर्च की होगी क्यों फिनलैंड थोड़ा अच्छा लगा, आपने सोचा चलो वहां चलते हैं साथ में एज अ फैमिली। सर ऐसे है ना कि फिनलैंड में तो ऐसा है कि हम साथ में जा सकते हैं। हाँ जी, कोई और कंट्री में ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। राइट, तो इसलिए तो बिल्कुल। सो जैसे भूपेंद्र जी बता रहे हैं फिनलैंड के अंदर स्पाउस एंड स्टूडेंट सेम डे ट्रेवल कर सकते हैं, इकट्ठा ही वीजा आता है, इकट्ठे ही आप जा सकते हैं। तो ये इस कंट्री की ओपन माइंडेड थॉट को दिखाता है, ये वेलकम कर रहे हैं कि हमारे पास टैलेंटेड इंडियंस आए, हमारी वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करें, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो जैसे भूपेंद्र ने बताया ये फिनलैंड का एक बहुत खास और अहम पॉइंट है कि आप फैमिली के साथ सेम डे ट्रेवल कर सकते हैं। तो कंचन जी थोड़ा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएं कि आपने क्या पढ़ाई की थी और क्या गैप था या क्या वर्क एक्स्ट्रा थोड़ा बीच में बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी और आफ्टर दैट मैंने जॉब की थी, तो उसके रिलेटेड ही मैंने फर्दर अपना एजुकेशन चूज की, जो मैंने कोर्स करना था फिनलैंड में उसी के रिलेटेड ही मैंने अपना फर्दर कोर्स चूज। तो आपने इंडिया में कौन सी ग्रेजुएशन की हुई है और कब करी थी? सर मैंने बैचलर इन आर्ट्स की थी 2016 में। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से? सर पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी से। बहुत बढ़िया। सो एस मैम आपको बता रहे हैं 2016 में इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की है और अब 2022 में ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। तो थोड़ा बताइए कब आपका ट्रैवल प्लान है, कब आपने टिकट कराई, कब जा रहे हैं? सर अभी इसी मंथ में फरवरी में ही जा रही हूँ, हमने टिकट्स बुक करवा ली है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप देख रहे हैं इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं, आज फरवरी में हम ऑलरेडी हैं और विद इन फ्यू डेज मैम और सर वहाँ ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं। चलिए तो लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे कंचन जी और आपसे भी सर कि एडोफिन के साथ आपकी जर्नी कैसी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप आए, जो एक्सप्लेन किया गया पूरा डिटेल में और जैसा आगे चला क्या वैसा सेम रहा, और आप ऑडियंस को क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, इट वाज अ ग्रेट जर्नी विद एडोफिन और सबने, पूरी टीम ने हमारी बहुत हेल्प की, हमें स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड किया क्या प्रोसीजर है, सब बहुत अच्छे से समझाया। और मैं सभी को यही रिकमेंड करूंगी, प्लीज मस्ट विजिट एडोफिन टू अकम्प्लिश योर गोल्स इन योर लाइफ। थैंक यू। आप सर कुछ एडोफिन के बारे में कहना चाहें ऑडियंस को? सब कुछ बढ़िया जी, जितना इधर सानू किया है तो भी जल्दी थोड़ा सही प्रोसेस की तरह हो जाता है, इसलिए वधिया रहा, बहुत ज्यादा वधिया। चलो ग्रेट सर, ग्रेट। सो जिस तरह सर ते मैम सैटिस्फाइड ने, तुसी भी एक बारी जरूर कांटेक्ट करो, एक बारी सलाह ले, कोई अर्ज नहीं है। एंड उस तो अलावा नेट ते भी सर्च करो, जिहड़े पुराने स्टूडेंट्स गए उन्हां नाल भी कांटेक्ट करो, एंड आई एम श्योर असी तुहाडी कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई हेल्प किसी ना किसी तरीके जरूर वधिया तो वधिया करांगे। थैंक यू सो मच सर, मैम कंग्रेचुलेशन, बढ़िया आप जिंदगी बनाए, बढ़िया करियर बनाए फिनलैंड में, हमारी बेस्ट विशेस। Thank you, thank you, thank you so much.